भी जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। तू चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आजमा ले तू उसको जरा, आजमा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुंचाएगा वो किनारा, पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु। परमेश्वर की तारीफ हो जिसने हमें आज फिर ये समय दे दिया कि हम उसका वचन सीख सकते हैं। आए हुए सभी बहन भाइयों को जो इस प्रोग्राम के जरिए परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और मेरी ओर से आप सबको सलाम। भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके बच्चों से प्यार करता है, परमेश्वर आपके पड़ोसियों से प्यार करता है, परमेश्वर हर इंसान से जो इस धरती पर है उससे प्यार करता है। यही कारण है मेरे बहनों और भाइयों कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर हमें समय दे दिया है कि हम उसके वचन को सीख रहे हैं। सवाल हमारे वो ही है जो हमारी निजी जिंदगी में है और जवाब हम परमेश्वर से ले रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ले रहे हैं। सवाल वही है कि मैं क्या करूं कि बच जाऊं, मैं क्या करूं कि
कि अनंत जीवन हासिल करूं, व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? कहां जाऊं कि परमेश्वर की प्राप्ति करूं, कहां जाके बस जाऊं कि मेरे जिंदगी को शांति मिले? सवाल हमारा वही है। लेकिन आज जो जवाब परमेश्वर के वचन से हमें मिल रहा है वो ये है कि उसके अनुग्रह में बढ़ो, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो, ग्रो इन ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो। परमेश्वर के वचन में लिखा है दूसरा पत्रस 3:18 में, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पहली बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह के पहचान और अनुग्रह में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, क्या बात लिखी है, कितना प्यार है परमेश्वर को हमारे से कि वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ो, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में बढ़ो, उसकी पहचान में बढ़ो। क्यों? उसका कारण आगे दे रहा है, उसकी महिमा होती रहे, ताकि प्रभु की महिमा होती रहे। आमीन। हमारे जीवन के कारण, हमारे कामों के कारण, हमारे रहने सहने के कारण, जिस तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उससे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। आज क्या करते हैं हम? एक छोटी सी बात मैं चाहता हूं कि आप विचार करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक दूसरे को बताएं या कोई किसी से पूछे, क्योंकि अगर आप मेरे से भी पूछोगे अकेले में तो हो सकता है मैं भी झूठ बोल दूं। लेकिन आप अपने आप से पूछो, अपने अंतरात्मा से पूछो कि जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आज हर इंसान यही कोशिश कर रहा है कि उसकी पहचान बने। हर बहन भाई जो यहां देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबकी कोशिश यही है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे लोग मेरे को जान लें, जिससे लोग कहें कि सचमुच इसने ये काम किया है, ये कितना महान आदमी है, ये कितने महान काम कर रहा है। और अक्सर हम करते क्या हैं? सिर्फ नाम कमाने के लिए कई बार सहायता दूसरों की लेते हैं और आगे लग के काम हम करते हैं, और लोगों को कभी हम ये नहीं बताते कि इसमें सभी भाइयों का योगदान है। हम यही चाहते हैं कि लोग हमारी महिमा करें, हमारी तारीफ करें, हमारा नाम हो। लेकिन वचन ये नहीं चाहता। वचन चाहता है कि तुम करो, बढ़ो। लेकिन कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह बढ़े वैसे ही बढ़ो, उनके ज्ञान में बढ़ो, उनकी महिमा में बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह की जब बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था, ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड अ परफेक्ट गॉड। कोई कमी नहीं थी जिंदगी में, कहीं उनके कोई कमी नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके जीवन का मकसद क्या है। वो यहां काय के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, इन लोगों को एक मकसद देने आया हूं। वो जानते थे कि बाप ने मेरे को किसी मकसद से भेजा है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मेरा जो भोजन ये है कि मैं भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। भोजन क्या? जरूरत। जो सबसे ज्यादा जरूरी है काम वो क्या है? वो यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। वो एक कामिल इंसान थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। अक्सर जब हम गिर जाते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम कहते हैं यार अच्छा नहीं हुआ,
हम यही सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह पे कितने कष्ट आए, प्रभु यीशु मसीह पे कितने कष्ट आए। जितने प्रभु यीशु मसीह पे कष्ट आए, अगर कहीं हमारे पे आए होते तो हम कब का मैदान छोड़ गए होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को दिखा दिया कि आप हर हालत का सामना कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? जब आप प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हो। भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम उसके अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ें। जब उसकी पहचान में बढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी, हमारा जीवन स्तर उस लेवल का होगा जो प्रभु यीशु मसीह का था। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उस लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल में प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई लालच नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई खोट नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई बुराई नहीं थी। उनके जीवन में प्योरिटी, पाकीजगी थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक लक्ष्य था, एक मिशन था। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए। उनके जीवन का लक्ष्य था कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना, बहुत सारे लोगों को बुराई से बचाना, बहुत सारे लोगों का मेल परमेश्वर के साथ करवाना। यही एक उनके जीवन का लक्ष्य था। और जो कुछ भी कर रहे थे उसमें परमेश्वर का प्यार झलक रहा था। कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ सख्ती क्यों बरतते हैं। परमेश्वर के वचन में भी लिखा कि जब तक समय है हमारे को बच्चों को सुधार करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। बच्चों को पालना, बच्चों को बड़ा करना यह कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर चाहता है कि हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जिम्मेवारी को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी संजीदगी से निभाएं, बहुत सीरियस होकर निभाएं। उसमें जरा सी चूक जो है बच्चे का पूरा भविष्य खराब कर देती है। बच्चे को हम डांटते क्यों हैं? क्योंकि बच्चा जब कोई गलती करता है तो हम नहीं चाहते कि बच्चा उस गलती में फंसा रहे। तो जब हम गिरते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो फिर हम ये कंप्लेन क्यों करते हैं, शिकायत क्यों करते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ? भाइयों और बहनों, सोचो कि हमारे साथ भी इसलिए होता है ताकि जो बुराई हमारे अंदर है, जो कमी हमारे जिंदगी में है, उससे हम बाहर निकलें। परमेश्वर चाहता ही नहीं कि हम उस गंदगी में फंसे रहें, परमेश्वर चाहता ही नहीं कि हम उस बुराई में लगे रहें। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारे को ठोकर भी लगने देता है। क्योंकि मेरे जो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज हम बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जो बड़ी आसानी से मिल जाती है बिना मेहनत किए, उसकी हम वैल्यू क्या समझते हैं, उसकी कदर क्या करते हैं। उसकी कदर भी हम सिर्फ उतनी ही करते हैं जैसे हमारे को वो चीज मिली होती है। और अगर वही चीज हमने मेहनत करके, संघर्ष करके ली हो तो उसको हम कितना संभाल के रखते हैं, उसकी कितनी कदर करते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, पहचान करो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर का प्यार था। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का प्यार है तो हम क्या करेंगे? कभी सोचा है हमारा जीवन कैसा होगा? प्यार के बारे में पहला करिन्थियों 13 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्यार के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पहला करिन्थियों 13 अध्याय में बड़े प्यार से और बड़े पवित्र तरीके से संत पौलुस ने प्यार की व्याख्या की है। और खास तौर पर 4वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि प्यार धीरजवंत है। क्या हम किसी की सहन कर सकते हैं? आज हमारे अंदर धीरज है?
हम तो हर बात पे एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, और किसी की सुनना पसंद नहीं करते, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते। अगर हमारे को कोई एक बात सुनाए, उसे हम 10 बात सुना के पीछे हटते हैं। मेरे जो कुछ लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, वो अगर आपको कोई शिकायत भी होगी, वो आराम से बैठ के उसको सुनेंगे, और फिर सुनने के बाद बड़े प्यार से चंद शब्दों में जवाब देंगे और बड़े प्यार से समझाएंगे। और जब हम किसी को सुन के, किसी की समस्या को सुनते हैं, उसको सलाह देते हैं प्यार से, तो मेरे भाइयों और बहनों, उस समस्या का, उस शिकायत का निवारण हो जाता है। हम अपने भाई को उसकी कमी से दूर कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, सुधार उसमें ला सकते हैं। लेकिन यह तब होता है जब हमारे अंदर धीरज है। यहां लिखा है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कितनों पर हमने कृपा की है, कितनों पर हमने कृपा की है, छोटा सा सवाल है। यह मैं नहीं आपसे कर रहा, आप अपने आप से करो। भाई और बहनों, जब कोई गलती करता है तो क्या हम उसे माफ करते हैं, उस पर कृपा करते हैं? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि रोज जब हम दुआ करते हैं, तो जब दुआए रबानी बोलते हैं, जो प्रभु की दुआ है, जब वो हम बोलते हैं, तो उसमें एक लाइन, एक पंक्ति ये भी है कि जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, हे प्रभु तू भी हमें वैसे ही क्षमा कर। क्या मतलब है कि दुआ में हम खुद ही परमेश्वर से बेनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अपने भाई को माफ नहीं करता, अगर मैं अपने दुश्मन को माफ नहीं करता, अगर मैं अपनी बहन को माफ नहीं करता, तो तू भी मेरे को माफ मत करना। आप कभी विचार करके देखो कि आप क्या कह रहे हो। कई बार हम सिर्फ कहते हैं और उन पर विचार नहीं करते, अपने लफ्जों पर विचार नहीं करते, अपने अल्फाज पर बिल्कुल विचार नहीं करते। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से फिर प्यार झलका। प्रभु यीशु मसीह ने दुआ की कि आए खुदा, आए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस समय मेरे बहनों और भाइयों, वो लोग अंधेरे में थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान में बढ़ नहीं रहे थे, उन्हें जरूरत थी ज्ञान में बढ़ने की। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आए प्रभु, आए खुदा, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने धीरज का नमूना दिया, बहुत धीरज रखा, क्योंकि वो अपनी बलि दे के भी, अपनी कुर्बानी दे के भी इंसान को बचाना चाहते थे। प्रेम की यह खूबी है कि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं मारता एकदम। अगर किसी ने हमारे नुकसान किया है तो हम झुंझलाते नहीं है, अगर हमारे को उससे प्यार है। अजीजो, जब हमारे बच्चे को नुकसान करते हैं, चाहे कितना भी नुकसान कर लें, अगर वो अपनी गलती मानते हैं, तो क्या आप माफ नहीं करते? उजाड़ू पुत्र का दृष्टांत बाइबल में दिया गया है। बेटे ने अपने हिस्से की संपत्ति ले ली, बाप से जाके उजाड़ के आ गया, बाप ने फिर गले लगा लिया। आज छोटा सा सवाल कि अगर हम अपने बच्चों को माफ कर सकते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करे, तो जब कोई और कोई छोटी सी भी हमारे लिए गलती कर देता है या छोटा भी नुकसान करता है, तो हम क्यों चिल्लाते हैं, क्यों डाह मारते हैं? क्या हम सचमुच अपने हम इंसान से प्यार करते हैं, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, अपने पड़ोसियों से प्यार करते हैं, अपने समाज से प्यार करते हैं? हमारे में सहनशीलता होनी चाहिए, धीरज होना चाहिए, हमारे में कृपा होनी चाहिए।
प्रेम बड़ा ही नहीं करता। ये नहीं होना चाहिए कि इस काम के कारण मेरी बढ़ाई हो। प्रेम फूलता नहीं है कि हां ये काम मैंने किया। आज मैं आपका ध्यान मेरे बहनों और भाइयों मत्ती रसूल की अंजील 5 अध्याय में ले जाना चाहता हूं। क्यों मैं इतनी बातें आपसे कर रहा हूं? आप भी सोच रहे होंगे ये हो क्या गया आज, इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपको प्यार करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को चुन लिया है। आप अपनी पहचान करो, अपनी अहमियत को जानो। मत्ती रसूल की अंजील 5 अध्याय उसकी 13 से 15 तक देखो, इसमें 2 दृष्टांत दिए मिलेंगे आपको। पहली बात, परमेश्वर वचन के जरिए कह रहा कि आप क्या हो? धरती का नमक हो। नमक का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और मेरा ख्याल है कि नमक मार्केट में सबसे सस्ती चीज है आज। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, आपको, मेरे को नमक से मिला दिया। ये नहीं कि हम वैल्यूलेस हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है, कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। उसका टेस्ट देखो, उसका स्वाद देखो। खाना बनाते हैं एक टाइम, बहनों और भाइयों अगर सच में नमक की कदर जानना चाहते हो तो एक टाइम खाना बनाते टाइम खाने में नमक मत डालना, तो आप जान जाओगे कि नमक चीज क्या है। थोड़ा सा नमक हम डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट ही बदल जाता है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम धरती का नमक हो। तुम्हारे कारण, तुम्हारे रहने के कारण जो आस पड़ोस हैं उसका माहौल बदल जाना चाहिए, बिल्कुल बदल जाना चाहिए। लोगों की लाइफ में ये एकदम तब्दीली आ जानी चाहिए, टेस्ट आ जाना चाहिए कि हां हम किसी के साथ अच्छे इंसान के साथ रह रहे हैं। और दूसरी बात कही गई है कि तुम जगत की ज्योति हो। कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। परमेश्वर कहता है कि आप जगत की ज्योति हो। तुम्हारे काम चमकने चाहिए, तुम्हारे काम नमूने के होने चाहिए, तुम्हारे कामों में परमेश्वर का प्यार झलकना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी में टेस्ट होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखकर वो लोग जो कभी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे, जिन्होंने पकड़ा था, उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया था कि सचमुच ये ही प्रभु का पुत्र है, सचमुच ये मसीह है। हमें देख के लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम सबको देख कर कि हमारी जिंदगी में कोई स्वाद है? नमक को हर लोग, हर इंसान अपने घर में रखता है। क्या हम लोगों के साथ दूसरे लोग जो हैं वो संगत करने के लिए तैयार हैं, समय व्यतीत करना चाहते हैं? क्या जो लोग हमारे साथ अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, मेरे बहनों और भाइयों, वो हमारे को अच्छा समझते हैं? क्या लोग सोचते हैं कि ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं, इनके बगैर, इनके बिना हम अधूरे हैं? क्या हमारी जिंदगी से लोग कुछ सीख रहे हैं? परमेश्वर ने तो कह दिया कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। परमेश्वर तो कह रहा है कि तुम ज्ञान में बढ़ते जाओ, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और अनुग्रह में बढ़ते जाओ। क्या हमारी जिंदगी से किसी को यह समझ आती है कि यह अनुग्रहकारी है? भाई और बहनों, ये सोचो कि परमेश्वर आपसे और मेरे से क्या चाहता है, हमारी नींव कैसी है, हमारी जिंदगी कैसी है। क्या हम जो परमेश्वर का नाम लेते हैं वो दिखाने के लिए तो नहीं लेते
क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है कि मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हम कर सकते परमेश्वर से अलग होकर। बल्कि अगर हम परमेश्वर में रहते हैं, कायम रहते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर मेरे को और आप सबको बहुत प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्यार में बने रहें। क्यों चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है कि परमेश्वर हमें अलग देखना नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे को बर्बाद होते देखना नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जिंदगी की शुरुआत दोबारा करो, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो। और जब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ोगे तो परमेश्वर से आशीष प्राप्त करोगे। आशीष, परमेश्वर कहता है मेरे को परखो और देखो कि मैं कितना मेहरबान हूं। मुझे परखो और देखो मैं कितना मेहरबान हूं, आसमान से खिड़कियां खोल के आपको आशीष दूंगा। और इसीलिए कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरती का नमक हो। और जो मैं खास बात कहना चाहता हूं आज आप सबको इस समय, वो ये है मत्ती रसूल की अंजील 5 अध्याय और उसकी 16 आयत लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उज्याला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हमारी बढ़ाई नहीं, पिता की जो स्वर्ग में है। आइए दुआ करें ताकि हमारी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो और पिता की बढ़ाई हो। तमाम रहमतों के बानी हमारे सच्चे जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और दुआ करते हैं हमें हिम्मत देना आपके अनुग्रह में और आपकी पहचान में बढ़े। जितने लोग आपके वचन को सीखते हैं, सुनते हैं, होने दो कि वो आशीष प्राप्त करें और आपकी महिमा करते हुए अनंत जीवन हासिल कर सकें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।